हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट सोच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पर रखा हुआ है एक्वाफ्रेश की तरफ से आने वाला एक आरओ वाटर प्यूरीफायर। और आप भी दोस्तों एक वाटर प्यूरीफायर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि 4-4.5 हजार रुपए के आसपास आपके घर में एक शानदार अच्छी कंपनी का वाटर प्यूरीफायर लग करके और चालू हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ये वाटर प्यूरीफायर मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से केवल 4.5 हजार रुपए में, और इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। पूरी चीजें बताऊंगा क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इस प्यूरीफायर को आप खुद ही घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर 500 रुपीज का जो एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है उससे भी आपको मैं बचा दूंगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही ईजी वे में, अब इसको इंस्टॉल करके बताऊंगा, पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, और इसको खुद ही अपने वॉल पर भी लगाऊंगा, खुद ही सारे कनेक्शन करूंगा। और इस वीडियो को अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो केवल इस वाटर प्यूरीफायर को ही नहीं, कोई भी वाटर प्यूरीफायर हो आप इजीली उसे घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, घर पर उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, सब कुछ आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसके साथ में क्या कुछ आता है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप इसे परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो इसके अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट की टेप लगी हुई है, और इधर आप देखेंगे तो इधर जो है एक्वाफ्रेश की टेप लगी हुई है और अच्छी के तरीके से सील्ड है। यहाँ पर अपन पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर हमें बॉक्स कॉन्टेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अच्छी तरीके से थर्माकोल के अंदर पैक्ड है, और सबसे पहले यहाँ पर आपको ये एक्वाफ्रेश का एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, एक ये पर्चा देखने को मिल जाता है जहाँ पर दोस्तों आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर आपको इंस्टॉलेशन करवाना है तो कैसे कराएंगे, वैसे दोस्तों आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बहुत ही ईजी है टोटली। वैसे ये फिटेड आता है, केवल आपको कुछ नलिया वलिया जोड़नी और एक दो काम करने, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप खुद ही इसे घर पर फिटिंग कर लेंगे। पैकिंग यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके की थर्माकोल की शीट का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग वगैरह की गई है। यहाँ पर अपन इसकी पॉलीथीन को निकाल लेते हैं, अपन ने इसको उल्टा बाहर निकाल लिया है, ये पॉलीथीन को बाहर निकाल लेते हैं और एक बार मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीका का ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर अभी टेप वगैरह नहीं लगा हुआ, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जैसा दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर फोटो में दिखाया जाता है सेम वैसा ही मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ स्क्रूज इस साइड में दिए हुए हैं, इन स्क्रू को ओपन करके और अपन इस लीड को हटाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर अपन नीचे के इस टैंक में आपको इसकी सारी एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। तो पहले मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर आता हूँ, फिर अपन इसको रिमूव करते हैं। तो लीड को हटाने के बाद में आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर सारे के सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये आरओ की मेम्ब्रेन, ये सेडिमेंट फिल्टर है, ये मिनरल कार्ट्रिज लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यूवी वाला लगा हुआ है, ये यूएफ मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी हुई है। तो सारी चीज़ें और इनका सभी का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। केवल यहाँ पर दोस्तों इस साइड में आपको ये दो इन और आउट के ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पर आपको एक पाइप इन करना है, दूसरी पाइप यहाँ से जो वेस्टेज की होगी वो आउट हो जाएगी और बाकी जो पानी है वो आपके टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये अपन ने वाटर प्यूरीफायर तो देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाता है, इसको अपन यहाँ पर फिटिंग करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वाटर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जैसे ये टैंक फुल होगा तो ये सेंसर ऑटोमेटिकली आपके आरओ को बंद कर देगा। अब यहाँ पर अपन टैंक को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक प्री फिल्टर वगैरह और बाकी एसेसरीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसके अंदर एक और बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर बाकी की सारी एक्सेसरीज रखी हुई है, तो वो मैं आपको एक एक करके चेक करवा देता हूँ। अब दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको पूरी एक्सेसरीज क्या क्या मिलती है मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले तो ये पाइप्स मिल जाते हैं चार दोस्तों, यहाँ पर ये गिट्टी स्क्रू मिल जाते हैं, ये दो होते हैं यहाँ पर आरओ को लगाने के लिए, दो है यहाँ पर प्री फिल्टर को लगाने के लिए, और ये दो टी मिल जाती है आपको प्री फिल्टर में लगाने के लिए। उसके बाद में आपको ये एक टैब एक्सटेंडर मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों आप जो आपका नल होता है उसको आप वॉल से खोलेंगे, पहले इसको लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर ये वॉल्व लग जाएगा, इसके साथ में ये वॉल्व भी आता है, इस वॉल्व को आप यहाँ ऊपर लगाएंगे और यहाँ से आपकी नली लग जाएगी। उसके अलावा वापस से आप आगे यहाँ पर नल को वापस से लगा देंगे, पानी का लीकेज ना हो उसके लिए यहाँ पर आपको टेफ्लॉन टेप दी गई है, इस टेफ्लॉन को भी आप साथ में यूज़ करेंगे और ये आपको एक टैब देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कुछ और आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोस्तों आपको एक आरओ मेम्ब्रेन देखने को मिल जाती है, एक यहाँ पर ये 5 माइक्रोन का आपको फिल्टर देखने को मिल जाता है, और ये प्री फिल्टर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये इसके साथ में नहीं आया है, ये मैंने अलग से मंगवाया क्योंकि मैं दो प्री फिल्टर लगाने वाला हूँ, क्योंकि दो फिल्टर लगाने से दोस्तों जो आरओ के मेम्ब्रेन्स की लाइफ होती है वो लाइफ बढ़ जाती है, कम डस्ट उसके अंदर जाती है, और ये फिल्टर अपन टाइम टाइम पर चेंज करते रहेंगे। ये सस्ते आते हैं 30-40 रुपये के, आपको ईजिली ऑनलाइन
साइज मिल जाएंगे अगर आप चार चार पाँच पाँच के बल्क में मंगाते हैं, और दो तीन महीने में इन फिल्टर को चेंज करना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस वाले फिल्टर को ओपन चेक कर लेते हैं कैसे इसको फिटिंग करना है। तो सबसे पहले इसको आपको यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पर इसके साथ में आता है ये कुछ एक इस टाइप का फिल्टर, और यहाँ पर अपन इसको ओपन कर लेते हैं। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, इजीली इसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर इसको सेट कर देना है, वो सेंटर में रह जाना चाहिए। और इसके साथ में आपको ये कुछ इस टाइप की एक रिंग देखने को मिलती है, इस रिंग को सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग कर देना है। इसके नीचे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके बीच में सेट होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप पकड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, और थोड़ा सा पुश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में आपको इजीली इसको टाइट कर देना है, अगर वो सेंटर में जाएगा तो ही ये इजीली टाइट होगा, अदरवाइज ये इजीली टाइट नहीं होगा। और अगर आपको ज़्यादा लोड आ रहा है तो आप समझ जाना कि वो सेंटर में नहीं गया है। ये हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एरो बना हुआ, मतलब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, इधर आउट लिखा हुआ, यहाँ से पानी बाहर आएगा। तो अब ये जो टीज है, ये टी हमें यहाँ पर लगानी है, तो इसको हम टेफ्लॉन लगा करके लगा लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर रखी हुई टेफ्लॉन, हम टेफ्लॉन लगाकर लगाएंगे तो यहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। वैसे नॉर्मली लीकेज होती नहीं है, लेकिन फिर भी टेफ्लॉन लगा देते तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाती है। अब ये फिल्टर तो रेडी हो चुका है, अब हमें केवल इसको वॉल पर माउंट करना है, वो अपन बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर बाकी चीज़ों को पर फिटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक और जो ट्रांसपेरेंट फिल्टर है, ये मैंने अलग से मंगवाया था, तो इसको अपन ओपन करके और इसके अंदर भी ये जो है इसका फिल्टर डाल देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आता है, ये 300 रुपये का आपको अलग से मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको इसी के आर ओ के लिंक के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, ये पन्नी आपको हटानी पड़ती है, और इसके बाद में ये यहाँ पर जो है ये ईजिली कुछ इस तरीके से टाइट हो जाएगा। कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इसको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से टाइट कर देना है अच्छा सा, और जैसे ये टाइट हो जाए आपको इसको भी इजीली इसके अंदर डाल करके और ऐसे इसको टाइट कर देना है। इसके अंदर नीचे ये टच नहीं होता है, ये ऊपर ही लगता है। अब ये दोनों फिल्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, इनको रखते हैं साइड में, और पहले यहाँ पर जो मेम्ब्रेन के अंदर ये फिल्टर लगाना है ये अपन लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको सीपी सिंपली यहाँ से इसको थोड़ा सा अपन पुश करेंगे, ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा और ये इजीली बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में हमें इस ढक्कन को खोल लेना है, ये यहाँ से इजीली ओपन हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, काफ़ी इजी है। और यहाँ पर दोस्तों ये आप देखेंगे, ये जो आर ओ की मेम्ब्रेन जो लगी हुई है, इसके अंदर आर ओ की मेम्ब्रेन लगेगी। इसके अंदर यहाँ पर आपको एक इन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, इधर एक इन है, और इसी मेम्ब्रेन के नीचे आपको इधर दो आउट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये एक पाइप है जिसमें से एक वेस्टेज का और एक आपका आर ओ के पानी के लिए है। तो यहाँ पर इसको कैसे फिटिंग करना है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर इस साइड में ये दो जो रबर रिंग दिख रही है, ये वाला पोर्शन पहले अंदर जाएगा, और यहाँ पर जो इस टाइप का माउथ आपको इधर दिख रहा है ये बाहर की साइड रहेगा। अब दोस्तों क्या होगा कि जब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, जो पानी दोस्तों यहाँ से इसके अंदर से होकर के पाइप के अंदर जा पाएगा, वही पानी दोस्तों यहाँ पर आपको जो पीने वाले उसमें आएगा, और जो पानी बाहर रह जाएगा वो यहाँ पर दूसरी नली से आउट वाले वेस्टेज में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपको लगाना है, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही अंदर डालना है, और इसके अंदर एक संचा बना हुआ है, और वहाँ पर दोस्तों आपको जैसे ही थोड़ा सा और धक्का देंगे तो ये पूरा अंदर चला जाएगा और उसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाएगा। ये पूरे अच्छी तरीके से ताकत से दबा देना है, ये जो इसके है पूरे बराबर आ जाना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में आपको नॉर्मली वापस से इस ढक्कन को कस देना है, इसके अंदर ये रबर रिंग है, इसका ध्यान रखना है ये निकलनी नहीं चाहिए, और इसको अपन वापस से कस देते हैं। बस ये लग चुका है, ये आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपन टैप को फिक्स कर लेते हैं, ये अपना टैंक बॉक्स आ गया है, इसके अंदर थोड़ी सी दस्त थी तो मैंने इसको साफ़ वगैरह कर लिया है। और इसके ऊपर आपको दो रबर के रिंग दिखाई दे रहे हैं, जो एक लगेगा टेप के पास और एक लगेगा अंदर की साइड से। इस तरीके के आपको दो रिंग मिलेंगे, एक ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है, जो कि दोस्तों अपन इसको पहले बाहर से फिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा आपको अंदर से लगाना है। कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर लगाना है, इजीली ये अंदर पुश हो जाएगा, इसको नीचे की साइड में रखना है और अंदर से जो है वो रिंग आपको पहले लगा देना है। अब टैंक का काम हो चुका है, अब अपने को लगाना है यहाँ पर इसके साथ में जो ये सेंसर आया हुआ है, ऑटो कट ऑफ सेंसर, इसको लगाना है, लेना है ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर इसको कस देना है। यहाँ पर टेफ्लॉन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पानी वगैरह नहीं आने वाला है। बस लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इसका नाजुक है, तो ये टूट ना जाए बस। उसके बाद में वापस से आपको इसको इसके ऊपर टाइट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ चेक कर लेनी है कि जब आप इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर जो ब्लैक वाला बटन है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पुश होना चाहिए, इसी से ऑटो कट ऑफ होने वाला है, बस इतना सा काम आपको करना है। और यहाँ पर दोस्तों अभी कनेक्शन करना बाकी रह गया है, तो यहाँ पर ये जो दो पिन आपको देखने को मिलेगी, एक आपको यहाँ पर ऊपर वाले के अंदर फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से,
कोई सा भी कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको यहाँ पर इसके नीचे वाले के नीचे फिक्स कर देना है। ये काम जब आप करें दोस्तों तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो कनेक्शन हो वो प्लग में ना लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर एसी करंट आता है और डायरेक्टली आपको बहुत ही तेज झटका लग सकता है। तो इस तरीके इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और बाकी सारे कनेक्शन इसके अंदर किए हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली अपन इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख करके और फिक्स कर देते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा आरओ की फिटिंग जो है यहाँ की प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन इसका जो है कवर ये लगा देते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं किचन में और वहाँ पर मैं आपको इसको वॉल पर लगा करके बताता हूँ। वहाँ भी जो काम करना है सारे मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर लगा हुआ है सिंक। अब हम किचन में आ चुके हैं तो आवाज में थोड़ी सी एको आएगी। सबसे पहले इजीली आपको कुछ इस तरीके से इसको खोल लेना है। तो ये हमने हमारे किचन टेप को यहाँ से खोल लिया है। अब दोस्तों हमें ये जो है ये यहाँ पर हमें इसको इंस्टॉल करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, इजीली सभी आधा इंच वाले ही आते हैं तो ये इजीली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ये आप देख सकते हैं इजीली इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी टेफ्लॉन लगा करके और फिर इसको टाइट कर देता हूँ। इस तरीके से ये टाइट हो चुका है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर जो वॉल लगने वाला है वो अपन लगा लेते हैं। वापिस से जिसे इसके ऊपर ये लगा हुआ था वैसे मैं सिंपल इसको यहाँ पर लगा दूंगा। हमारा यहाँ का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन वॉल कनेक्शन करते हैं। अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ये है ड्रिल मशीन जो वॉल में होल करने के लिए काम में आती है, ये है नॉर्मल टेप और ये है पेंसिल। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें मेजरमेंट करना होगा कि हमें कहाँ पर होल करना है, उसके बाद में अपन आगे की प्रक्रिया देखते हैं। तो मेजरमेंट कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस तरीके से हमें बैक साइड से रख लेना है और यहाँ पर जो ये होल है यहाँ पर हमें इस तरीके से स्केल रख लेना है। एक तरफ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सेंटर में होना चाहिए और दूसरी तरफ हमें यहाँ से देखना है बिल्कुल सेंटर आपको लेना है, ताकि जो स्क्रू है वो पूरी तरीके से अंदर फिट हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर स्केल पर पहले निशान बना लेंगे 8 से। यहाँ पर हमारा फिल्टर लगने वाला है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे स्केल रखना है। और स्केल रखने के बाद में एक निशान में लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ दूसरा निशान। ये दोनों निशान मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। फिल्टर हमें लगाने हैं, इन फिल्टर का जो है वो हमें निशान देख लेना है। तो फिल्टर हमारे ये यहाँ पर लगने वाले हैं कुछ इस तरीके से। फिल्टर के लिए भी कुछ इस तरीके से अपन निशान कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा, तो ये मशीन यहाँ पर अपन पहले होल कर लेते हैं। होल कहाँ करना है? एक तो करना है अपने को यहाँ पर और इसका वाइब्रेशन। तो ये कुछ इस तरीके से स्क्रू यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। अब इनको टाइट कर लेना है। आरओ को मैंने यहाँ पर चेक करने के लिए फिक्स कर दिया है। तो फाइनली दोस्तों आरओ पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, पूरी तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। पाइपिंग कैसे की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो अपन ने इसको एक्सटेंड किया था यहाँ से अपन ने एक पाइप को जोड़ दिया है और ये पाइप आई है सीधी यहाँ पर ऊपर, ये फर्स्ट वाले कार्ट्रेज में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन, तो यहाँ पर अपन ने पानी कनेक्शन अंदर दिया है। यहाँ से लिखा हुआ है आउट, तो यहाँ से अपन ने पानी को बाहर निकाला है। इसको घुमा करके वापस अपन यहाँ पर लाए इस कार्ट्रेज के ऊपर। इन यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ से अपन ने पानी के फ्लो को ऐसे दिया। यहाँ पर आउट लिखा हो तो यहाँ से अपन ने ये वाली नली निकाली और यहाँ पर ये थोड़ा सा लीकेज है, इसको मैं थोड़ा सा भी ऐसे सेट कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। पहले बंद हो गया था, वापस फिर से चालू हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ से ये पाइप इसके नीचे होकर के और जाएगी सीधी यहाँ पर। और ये यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर वाला है ये इन का है और ये नीचे वाला जो है ये ब्लू वाली पाइप ये वेस्टेज का है। तो अपन इसको यहाँ से इन दे दिया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा सिस्टम कम्प्लीटली फिटेड होकर के आता है। बस यहाँ से अगर दोस्तों कहीं कहीं जैसे इस जगह से आपको लीकेज दिखे तो आपको उस पाइप को एक बार वहाँ से खोल के और वापस से लगा देना है, तो नॉर्मली 99% वो लीकेज बंद हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें मैंने आपको मेम्ब्रेन लगाना सिखाया था, तो इस ढक्कन में से थोड़ा सा लीकेज था तो मैंने इसको थोड़ा सा और टाइट कर दिया, तो इसका लीकेज भी फाइनली यहाँ से बंद हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन इसको चालू करते हैं। ये यहाँ पर जो पिन है ये अपन ने यहाँ से लगा दी है। अब मैं इसको चालू करता हूँ। ये अपन ने इसको चालू कर दिया है, ये चालू हो चुकी है। यूवी लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चालू है।
और यहाँ पर ये जो वॉल्व दिया हुआ है दोस्तों, ये है प्रेशर वॉल्व। इसको आप जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे आपके पानी का TDS कम होता जाएगा और पानी टेस्टी बनता जाएगा। एक्चुअली ये RO मेम्ब्रेन में प्रेशर देने के लिए वॉल्व है, तो इसको आप अपने हिसाब से आपको कितना TDS चाहिए पानी के अंदर उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो उस हिसाब से जैसे जैसे आप इसको बंद करते जाएंगे तो वेस्टेज का पानी बढ़ता जाएगा और यहाँ पर जो आपका फिल्टर पानी है वो कम होता जाएगा। तो जैसा आपको टेस्ट उचित लगे, जिस तरीके से आपको सेट करना उस तरीके से आप सेट कर लीजिएगा। कम से कम 100 के आसपास आप TDS रखिएगा ताकि पानी का टेस्ट ठीक रहे। अब अपन पानी का TDS चेक कर लेते हैं कि RO का और नॉर्मल वाटर का TDS क्या रहने वाला है। तो पहले अपन ले लेते हैं टैप वाटर। तो यहाँ पर अपन यहाँ से टैप से ले लेते हैं पानी थोड़ा सा। ये टैप वाटर अपन ने ले लिया। ये मेरे पास में एक्वा फ्रेश का ही TDS मीटर है। ये टैप वाटर को अपन TDS चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 459 TDS यहाँ पर टैप वाटर का आ रहा है। अब यहाँ पर अपन एक बार ले लेते हैं RO में से। ये पानी को मैं नीचे डाल देता हूँ और ये RO वाटर मैंने ले लिया है। इसको अपन वापस से 0 पर सेट करते हैं और रखते हैं इसके अंदर और यहाँ पर होल्ड करते हैं और इसका TDS आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 131। तो TDS को इसने रिड्यूस कर लिया और 131 मैंने सेट किया है यहाँ पर। आप चाहे तो 50 भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 200 भी रख सकते हैं। एक जो वॉल्व दिया हुआ है उसके अंदर, उस वॉल्व से आप इसे सेट कर सकते हैं और कम से कम आपको 100 से 200 वाले TDS का पानी पीना चाहिए, वही ठीक होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग से लगा करके इस एक्वा फ्रेश के 15 लीटर वाले मॉडल का पूरा इंस्टॉलेशन दिखा दिया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पर ये मिलता है। अमेजोन पर RK एक्वा फ्रेश से मिलता है, बाकी फ्लिपकार्ट पर डायरेक्ट एक्वा फ्रेश से मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर RO एक ही कंपनी का आपको मिलेगा। जहां से आपको अच्छा प्राइस मिले वहां से आप परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस RO के बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। काफी मेहनत लग गई दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।